आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेली गई उसकी बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने 66 गेंदों में 83 रन बना चुके हैं, जो बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। जब इंडिया खेलने उतरी तब अजिंक्य रहाणे ने अच्छे स्कोर नहीं बना पाए और 5 रन पर आउट हो गए। उसके बाद आए रोहित शर्मा, भी कुछ नहीं कर पाए, 28 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली, मनीष पांडे वो 0 पे आउट हो गए। पर उसके बाद आए केदार जाधव, वो 40 रन बनाए। MS धोनी की बात की जाए, उन्होंने 89 रन बनाए। और उसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने, बैटिंग करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल कर उन्हें बहुत बेहतरीन बैटिंग की। उन्होंने इसमें 5 चौके और 5 छक्के भी लगाए हैं और उन्होंने धोनी का साथ देते हुए बहुत बेहतरीन बैटिंग की और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 125.76। तो इस तरह से वो देखा जाए तो उन्होंने धोनी का बहुत बड़ा साथ दिया और इंडिया को जो पारी टूटती हुई नज़र आ रही थी पर उन्होंने ये पारी संभाली और इंडिया का स्कोर ले गए आगे। पर वो ज़्यादा देर तो टिक नहीं पाए थे पर बहुत अच्छे रन बना चुके और इस तरह से इंडिया ने 50 ओवर में 281 पे 7 विकेट खोकर बनाए हैं। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की तारीफ कीजिए उतनी कम है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।